हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर बी। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर बी क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट एक्स इक्वल टू थ्री इज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन के एक्स प्लस एट इक्वल टू एक्स माइनस सेवन। बहुत ईजी सवाल है, हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। x यहाँ पर बोल रहा है कि x उसका सोल्यूशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन x इक्वल टू थ्री होना चाहिए। x इक्वल टू थ्री इज अ सोल्यूशन, मतलब x इक्वल टू थ्री इज अ उसका सोल्यूशन है। किसका? ना इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, x का वैल्यू थ्री निकलना चाहिए। ठीक है, तो थ्री निकलना चाहिए तो k का वैल्यू कितना होना चाहिए? तो k का वैल्यू फाइंड करिए। यहाँ पर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पर k लिखा हुआ है, तो इस k का वैल्यू कितना होने से ये एक इक्वेशन बन जाएगा और जिसको सॉल्व करने से x का वैल्यू थ्री निकलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि एक्स एज ए थ्री, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से एक्स एज ए थ्री सोल्यूशन उसका निकलना चाहिए, तो के का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, ये जो इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है इसको आप लिखो के एक्स प्लस एट इक्वल टू एक्स माइनस सेवन। जस्ट सिंपली क्या करो, हमें यहाँ बोला है ना एक्स इक्वल टू थ्री, मतलब एक्स इक्वल टू थ्री होना चाहिए, तो बस एक्स का वैल्यू यहाँ पर थ्री लिख दो, हो गया काम खत्म। तो हम क्या क्या रखेंगे इसको, के एक्स का रिलेशन क्या है, के साथ एक्स क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ है प्लस एट इक्वल टू एक्स माइनस सेवन। बहुत ही सवाल है बच्चों, यहाँ पर लिखो के इंटू एक्स की जगह हमें एक्स इक्वल टू थ्री चाहिए, तो एक्स का वैल्यू थ्री लिख दो प्लस एट। एक्स इक्वल टू थ्री आ जाए इक्वेशन, मतलब उसका सोल्यूशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकलना चाहिए, तो हम एक्स की जगह वहाँ पर थ्री पुट कर सकते हैं, मतलब एक्स के यहाँ पर जो इक्वेशन एक्स के इक्वल क्या लिख सकते हैं, हम थ्री लिखेंगे। के इंटू थ्री प्लस एट इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स यहाँ पर थ्री लिखो, थ्री माइनस सेवन। ठीक है, यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा, थ्री के से थ्री मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, थ्री के, थ्री के प्लस एट इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्री माइनस सेवन कितना हो जाएगा आपका, माइनस फोर हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका थ्री के, ये प्लस एट इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, जैसे मैं आपको सिखाया हूँ, अब ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, लीनियर इक्वेशन आपको सबको पता है, माइनस फोर है, प्लस एट इधर आएगा तो माइनस एट हो जाएगा। तो यहाँ पर थ्री के का जो वैल्यू निकलेगा होगा माइनस ट्वेल्व, तो यहाँ पर के का जो वैल्यू निकलेगा कितना होगा, माइनस ट्वेल्व डिवाइड बाई थ्री। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करोगे आंसर निकलेगा आपका माइनस फोर। तो हमें यहाँ पर देखो बच्चों, के का जो देखो, के का वैल्यू जो हमें निकला माइनस फोर हमारा निकला। ठीक है, के का वैल्यू कितना निकला, माइनस फोर। आई थिंक सबको समझ में आ गया, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पर देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या गिवन है, सीमा हैड ए वायर वायर ऑफ सम लेंथ आफ्टर मेकिंग ए स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीमा हैड ए वायर ऑफ सम लेंथ आफ्टर मेकिंग ए स्क्वायर ऑफ साइड फोर सेंटीमीटर विथ इट फाइव सेंटीमीटर, यहाँ पर फाइव लिखा हुआ है, ये फाइव है। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, ये फाइव है। अच्छा ठीक है, मैं ये काट के और कर लेता, फाइव सेंटीमीटर है ये। ठीक है, तो सीमा हैड ए वायर ऑफ लेंथ सम लेंथ आफ्टर मेकिंग ऑफ साइड फोर सेंटीमीटर विद इट फाइव सेंटीमीटर वायर लेफ्ट, उसके बाद पाँच सेंटीमीटर वायर बच जाता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर सीमा हैड। मैं और एक बार क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। अब कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप सोल्यूशन बना रहे हो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसका मीनिंग समझो, क्या वो बोलना चाहता है, क्या आपसे पूछ रहा है, क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है। हमें यहाँ बोल रहे हैं सीमा हैड हैड ए वायर ऑफ सम लेंथ, सीमा के पास कुछ लेंथ के वायर हैं। ठीक है, कुछ लेंथ के वायर्स हैं उसके पास। ठीक है, अच्छा उस वायर से उसने क्या किया, एक स्क्वायर बनाया, एक ऐसा स्क्वायर बनाया जिसका साइड फोर सेंटीमीटर है उसने। और एक बार बोलता हूँ, सीमा ने उसके सीमा के पास जो वायर थे बच्चों, जो लेंथ जितना कितना लेंथ का वायर था हमें नहीं पता, जितना भी लेंथ का वायर था उसके पास, उस वायर से उसने क्या डिसाइड किया कि मैं एक स्क्वायर बनाऊंगी, मैं जो स्क्वायर बनाऊंगी, सीमा ने कहा कि मैं जो मेरे पास जो वायर है उस वायर से मैं जो स्क्वायर बनाऊंगी उस स्क्वायर का साइड फोर सेंटीमीटर होगा। ठीक है, स्क्वायर है तो सारा साइड भी फोर सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर का साइड साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो वो बोल रही है कि उस वायर से, उसके पास जो वायर है वो एक स्क्वायर बनाना चाहती है जिसका जो स्क्वायर होगा उसका साइड फोर सेंटीमीटर मेजरमेंट होगा उसका। ठीक है, यहाँ से सबको समझ में आ गया। अच्छा, तो स्क्वायर बनाने के बाद फोर सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर बनाया उसने, उसके बाद उसके पास कितने वायर जो बचे हैं वो यहाँ पे गिवन कर दिया फाइव सेंटीमीटर, तब उसके पास फाइव सेंटीमीटर का वायर बच जाता है। तो यहाँ पर पूछ क्वेश्चन क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ उसके पास कितना वायर था पहले, समझ में आ रहा है क्वेश्चन बच्चों। चलो उसका सोल्यूशन करते हैं, देखो मैं आपको स्टेटमेंट के साथ सोल्यूशन बताता चलूंगा। तो हमें तो पहले मान लेना है उसके पास एक्स है, लेट द लेंथ, लेट द लेंथ ऑफ वायर सीमा हैड,
सीमा हैड या फिर हैव कुछ भी लिखो, एक्स हैड लिखो एक्स, उसके पास मान लेते हैं उसके पास लेंथ ऑफ वायर सीमा एक्स उसके पास है लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। अच्छा मैं आपको डायग्राम करते हुए समझा चलूँगा, यहाँ पर लाइन में यहाँ पर देता हूँ बच्चों, ताकि मैं आपको रफली इधर चीज़ों को समझा सकूँ। ये है आप उसका लेंथ, ये है उसका वायर, देखो मैंने वायर यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, इसका मेजरमेंट कितना एक्स है, ठीक है, यही है ना सवाल। तो लेट द लेंथ ऑफ द वायर सीमा हैड इक्वल टू एक्स। अच्छा अब उसने क्या किया, ये जो उसके पास वायर जो है इसी वायर से उसने एक स्क्वायर बनाया जिसके मतलब साइड है 4 सेंटीमीटर। तो अब हम ये देखते हैं कि सीमा के पास जो वायर था जितना लेंथ का वायर था उसने उसमें कितना खर्चा, कितना यूज कर दिया, कितना यूज कर दिया स्क्वायर बनाने में, हमें वो फाइंड करना है। तो हमें जैसे पता है बच्चों कि हम पहले क्या करेंगे, हमें स्क्वायर का सिर्फ क्या पता है, साइड पता है, तो हम इससे स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, पेरीमीटर। अब यहाँ पर सवाल आता है सर पेरीमीटर क्यों निकाले, यहाँ पर क्या जरूरी पड़ गया पेरीमीटर निकालने के लिए। तो पेरीमीटर निकालने के लिए इसलिए जरूरी पड़ गया बच्चों, देखो कि पेरीमीटर इसलिए निकालना जरूरी क्यों, देखो पेरीमीटर निकालोगे तभी उसका लेंथ आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, जस्ट सम ऑफ मैं पेरीमीटर एरिया चैप्टर में पढ़ा, हम जाके देख लो पेरीमीटर के ऊपर मैं बताया हूँ, बट यहीं पर यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा, आप चिंता मत करो कि यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ पर भी बताऊंगा मैं आपको। तो जब पेरीमीटर हम अब यहाँ सवाल आते हैं पेरीमीटर ही क्यों निकालना है, क्यों एरिया नहीं निकाल सकते हैं, क्यों उसको और कुछ नहीं निकाल सकते, हम पेरीमीटर ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो बच्चों क्योंकि देखो वायर उसने क्या डिसाइड किया, वायर से वायर उसके पास जो था उसने क्या डिसाइड किया, वो स्क्वायर बनाएगी। सपोज मान लो अब देखो मेरे पास देखो ये स्क्वायर है, मतलब सॉरी स्क्वायर बोल रहा हूँ, मतलब ये मतलब मेरे पास ये वायर है, ठीक है। अच्छा इस वायर को देखो मैं क्या करता हूँ, मैं बस अलग एग्जांपल देता हूँ, अलग एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, चिंता मत करो। मैं सपोज इसका वायर का मैं मेजरमेंट लेता हूँ, सपोज क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, मैं अलग एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो चीज़ों को। सपोज इसका वायर का मेजरमेंट मान लो 30 सेंटीमीटर है, सपोज 30 सेंटीमीटर है। अब इस वायर को मैं चाहता हूँ स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले इस स्क्वायर को यहाँ से मोड़ूंगा। पहले जैसे मैं यहाँ से इसको मोड़ा तो ये कैसा, ये वायर कैसे दिखेगा बच्चों, ये इसको मोड़ के मैं किधर लाया, इसको मोड़ के मैं नीचे लाया, बस इतना पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट, इतना पार्ट मैं इसको मोड़ के नीचे लाया, तो ये वायर कैसे दिखेगा, वायर ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, दिखेगा कि नहीं बताओ। अगर इस इतने पार्ट से मैं इसको मोड़ा यहाँ पे, मेरा वही है। अगर मैं अगर कोई भी आप लेंथ वायर को, वायर का लेंथ को आप मोड़ते हो, कुछ भी करते हो, उसका मेजरमेंट क्या अलग हो जाता है क्या, कुछ भी, वही सेम रहता है ना। तो वही 30 सेंटीमीटर वायर को मैंने इस जगह से मोड़ा नीचे की तरफ, यहाँ मोड़ दिया। अच्छा फिर मैंने डिसाइड किया इस वायर को मैं फिर यहाँ से मोड़ूंगा, क्या से मैंने डिसाइड किया यहाँ से फिर मोड़ूंगा। तो जैसे मैंने इसको यहाँ से मोड़ा, अब ये जो यहाँ था वो नीचे आ जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है वो नीचे यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से जो मैंने इसको जो मोड़ा यहाँ पर, ये वाला पोर्शन इधर चला आएगा, आया कि नहीं बताओ मुझे, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ से मोड़ने का डिसाइड किया, तो ये पोर्शन ऐसे अब दिखने लगा। फिर क्या हुआ, अब मैंने फिर अब कितना बचा, अब मैंने कहा यहाँ से देखो यहाँ से मोड़ा तो ये ऐसा दिखा, फिर मैंने डिसाइड किया ये वाला पोर्शन मैं मोड़ता हूँ, फोल्डिंग किया, तो फोल्ड ये वाला पोर्शन से मैं मोड़ा तो ये वाला फोल्ड का ये जो सॉरी ये वाला जो आपका साइड है वो यहाँ पर चला जाएगा, और ये जो साइड है वो कहाँ नीचे आ जाएगा, ये वाला जो साइड है वो कहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा फिर मैंने यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे मोड़ा, इस तरफ साइड से मैं मोड़ा तो ये वाला जो पोर्शन फिर यहाँ चला जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ से अब ये वाला मोड़ा तो इधर ऐसे दिखा, अब ये वाला पोर्शन मोड़ूंगा तो ये वाला पोर्शन कहाँ आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पर चला जाएगा, सब चेंज हो जाएंगे, और लास्ट में मोड़ूंगा तो सब आगे बढ़ते हुए एक स्क्वायर बन जाएगा। आप इसको प्रैक्टिकली मोड़ मोड़ चार जगह पर मोड़ के देखो, चार जगह पर यहाँ से एक मोड़ोगे, फिर यहाँ से दो, ये फिर तीन, तीन जगह आपको मोड़ना है, ठीक है, चार जगह नहीं तीन जगह। इस स्क्वायर को कहाँ कहाँ से पहले यहाँ से मोड़ोगे, ठीक है, फिर यहाँ से मोड़ोगे, अब इसको कंबाइन कर दोगे, देखो आपको स्क्वायर मिल जाएगा। तो मेरे समझाने का मतलब ये था कि अब जो ये स्क्वायर बन गया तो वो उसी लेंथ ऑफ वायर से बना है ये स्क्वायर, ठीक है। तो हमें जो पता है कि अब मैं अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताओ इसका आउटर बाउंड्री का मेजरमेंट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इसका आउटर बाउंड्री का मेजरमेंट वही 30 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वही वायर को मोड़ के बनाया गया है वो स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है। सम ऑफ द इसका आउटर बाउंड्री का अगर मेजरमेंट अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ इसका आउटर बाउंड्री का मेजरमेंट कितना होगा, सब टोटल आउटर बाउंड्री का जो मेजरमेंट होगा स्क्वायर का कितना होगा, आप बोलोगे सर 30 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने 30 सेंटीमीटर लंबा वायर को ही मोड़ के बनाया है ना, तो मोड़ने से क्या उसका लेंथ कम जाएगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, उतना ही रहेगा। तो मेरे समझाने का मतलब ये था कि सम ऑफ द आउटर बाउंड्री जो बोल रहे हो आपको पता है 30 सेंटीमीटर, तो सम ऑफ द आउटर बाउंड्री को क्या बोलते हैं, उस पेरीमीटर ही बोलते हैं,
पेरीमीटर ही कहा जाता है ना सम ऑफ द आउटर बाउंड्री। कोई भी फिगर आप पकड़ो उसका आउटर बाउंड्री को प्लस कर दो, दैट इज अ पेरीमीटर। समझ में आ रहा है ये सब कॉन्सेप्ट? तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा हमें पेरीमीटर निकालना चाहिए। इस क्वेश्चन में हमने वही, मैंने आपसे वही कहा कि वही निकालना है यहाँ पर। हमें यहाँ पर क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है हमें, ठीक है। तो हमें पता है, हम मान लेते हैं उसके पास एक्स, हमें क्या माना है, अब पढ़ाई पे आ जाते हैं, ठीक है। अब हमारा जो एक्चुअल एक्चुअल जो सवाल है उस पर हम आ जाते हैं। तो सवाल ये था कि उसके पास एक्स था। बच्चों एक मिनट रुको, मैं इसको रब कर लेता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो सको। एक मिनट बच्चों, थोड़ा पेशेंस रखो, और कुछ सीखना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। इसको मैं रब कर लेता हूँ। इसमें मैंने आपको समझाया कि देखो लेंथ ऑफ द वायर जो होगा वो पेरीमीटर के समान होगा, बस यही चीज़ मेरा मोटिव यही था समझाने के लिए, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लेकर समझाया गया। अच्छा इसको हम रब कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अच्छा इसको हम रब कर लिए, तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से कर लो, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करो बच्चों, ठीक है। अच्छा देखो, तो ये था एक्स हमारा, तो ये उसके पास जितना लेंथ का वायर था उसके पास सीमा के पास एक्स था। उसने अब क्या डिसाइड किया, उसको उसने इसमें कितना यूज किया वो हम निकाल देंगे पहले, ठीक है। तो कितना यूज कर रही है वो हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है देखो। तो हम बट हमें ये पता है कि जो वो जो जितना यूज करेगी वो उससे स्क्वायर बनाने वाली है। तो चलो हम निकाल देते हैं कितना उसने लेंथ ऑफ वायर यूज किया, तो हम इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो इसका 4 सेंटीमीटर हमें पता है क्या, उसका क्या है साइड का मेजरमेंट है। तो यहाँ पर निकालो, यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख दो बच्चों, यहाँ पर मेकिंग अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखो मेकिंग ए स्क्वायर, यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, साइड में समझा रहा हूँ, यहाँ पर लाइन लाइन देखे ऐसे इधर में स्टेटमेंट लिखता हूँ, मेकिंग अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब यह सवाल आता है पेरीमीटर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, सब बच्चों को पता होगा क्या फॉर्मूला होता है, बचपन से पढ़ के आए हो, 4 इंटू साइड, डालो यहाँ पर 4 इंटू साइड कितना है 4 सेंटीमीटर, इसका आंसर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। दैट मीन्स उसने 16 सेंटीमीटर का वायर उसने यूज़ किया, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। देखो कितना ईजी सवाल था, उसने 16 सेंटीमीटर का वायर यूज किया, समझ गए सब लोग, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। 16 सेंटीमीटर का वायर, उसके पास एक्स नंबर ऑफ वायर्स था, उसने 16 सेंटीमीटर वायर यूज कर लिया। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे 16 हो रहा है, 16 सेंटीमीटर वायर यूज कर लिया। अब उसके पास कितना वायर बचा वो भी हमें गिवन कर दिया है, कितना गिवन किया देखो 5 सेंटीमीटर। सर मान लो यहाँ से उसने ये वायर, उसका टोटल है, ये टोटल कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है एक्स है। तो मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने वायर यूज कर लिया जो कि 16 सेंटीमीटर है, इसका मान लो 16 सेंटीमीटर मेजरमेंट है, 16 सेंटीमीटर उसने यूज कर लिया, तो जो बचा वो कितना है 5 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ रहा है, जो बचा जो कितना 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 पर्सेंट बचा यहाँ से लेकर यहाँ तक बचा, जो कि जिसका मेजरमेंट हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जिसका मेजरमेंट हमें गिवन कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगा बताओ, इक्वेशन ये बनेगा जिसके पास कितना वायर था। तब सिंपल सब यहीं पर डायग्राम देखे आंसर बता सकते हो मुझे, बताओ जल्दी कितना आंसर होगा। सिंपल देखो एक्स टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 हो गया, इसके पास इतना 5 सेंटीमीटर बचा, तो ये टोटल वायर कितना का हो गया 21 होगा। अब ऐसे ही डायग्राम देखे बता दोगे, बता क्या दोगे, उड़ा दोगे पूरा, दे डायग्राम देखे बता सकते हो 21 एक्स का वायर 21 होगा, बट हमें इक्वेशन का फॉर्मेट में लिखना है। तो देखो कैसे लिखोगे, उसके पास था एक्स, उसने 16 यूज कर दिया, कितना बचा ना 5 बचा, इसको सॉल्व करो एक्स इक्वल टू कितना होगा, ये हो गया 5 प्लस 16, कितना आंसर हो गया बच्चों एक्स इक्वल टू 21 हो गया। सवाल हो गया, एक्स का वैल्यू कितना निकल गया 21 सेंटीमीटर, यहाँ पर 21 लिख के मत छोड़ देना, सेंटीमीटर लिखना नहीं तो हाफ मार्क कट जाएगा, यूनिट लिखना जरूरी है। क्यों जरूरी है ये पता है, सबको पता है यूनिट लिखना जरूरी है, क्यों जरूरी है। अगर मैं सिर्फ 21 लिख दूँ, मैं आपको बोलूँ 5, मैं बोलूँ 5, आप पूछोगे सर 5 क्या बोल रहे हो, 5 घंटे बोल रहे हो क्लास लोगे, या 5 मिनट क्लास लोगे, या 5 सेकंड क्लास लोगे, या फिर 5 साल बाद क्लास लोगे। सिंपल से सवाल है, 5 अगर मैं बोल दूँ तब क्या समझो, कुछ नहीं समझो, कुछ भी समझ सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो, ठीक है। इसलिए यूनिट लिखना जरूरी है, 5 अगर मैं बोलूँ 5 घंटे क्लास होगा तब समझो हाँ सर 5 घंटे बोल रहे हैं। तो इसलिए यूनिट लिखना जरूरी है, सिर्फ वहाँ पर नंबर लिख के मत छोड़ देना कोई भी चीज़ों को, ठीक है। अच्छा तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, तो इस वीडियो में इतना ही इसको रखते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ चुकी हैं, ओके। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर D स्टार्ट करेंगे, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।